प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को जो है बीसी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताएंगे। इसके पिछले कक्षा में आपने पढ़ाया था कि आग पांच प्रकार की होती है, पांचों के संबंध बुझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो सर, ये खदान, ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके डंपर में आगे साइड में बंधा हुआ रहता है, आपने देखा होगा। तो आइए इसकी बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये है क्या, इसमें कैसे कैसे ये काम करता है, कौन कौन से पदार्थ हैं, इसका कंस्ट्रक्शन और बनावट कैसे रहता है। नॉर्मल कंडीशन में ये क्लिप जो है लगा रहेगा, ये पूरा बैठा रहेगा नोक में, ठीक है। उसके बाद इसको प्रयोग की विधि बहुत ही आसान है। एक क्लिप को खोलेंगे, इसके बाद इसको दो बार ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि इसमें डस्ट जो रखा है वो केक करके बैठा करके लूज, माने बैठा ना जाए, लूज हो जाए, हल्का हो जाए। उसके बाद एक हाथ से ये सप्लाई ट्यूब को निकालेंगे, दूसरे हाथ यहाँ पर लगाएंगे, इससे मारेंगे और जैसे ही ये इसमें प्रेशर देंगे, ये प्लंगर लगा हुआ है, स्प्रिंग लोडेड है, ये है क्या, कैसे काम करता है जो देखिए। यहाँ से जैसे ही इसको दबाएंगे, इस पोर्शन को यहाँ से इंजेक्टेड किया होगा पी, इसमें छेद कर देगा। ये कार्ट्रिज है, कार्बन डाइऑक्साइड का छोटा सा सिलेंडर है जिसमें 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस 200 बार पर चार्ज किया हुआ, एक कंप्रेस करके दबा करके इसमें रखा हुआ। अगर इसको एनटीपी पर नेचुरल समान ताप और दाब पर इसका आयतन को आकलन करेंगे तो 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, माने 100 लीटर हो। अब देखिए दूसरा पार्ट, जब उसमें पंचर कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ये छेद है दूर, ये छेद के द्वारा, फूल के द्वारा इसमें इस तरह बैठा रहेगा, देखिए। तो ये पंचर करके कार्बन डाइऑक्साइड इस शंकु आकार के प्लास्टिक का कीटनुमा इसके अंदर में चला जाएगा, और ये क्योंकि इतना भाग जो है डस्ट में अंदर में बैठा रहता है। ये पॉट बर्तन है, बर्तन में 5 kg सूखा पाउडर रखा हुआ है, ये सूखा पाउडर के बीचों बीच में ये शंकु आकार का पीप आकार का बैठा हुआ रहता है। जब हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गैस इन करता है तो यहाँ पर देख रहे हैं रबड़ का लगा हुआ, ये रबड़ का पार्ट, यहाँ पर छेद है। इन छेदों से क्या होगा कि हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्तन के अंदर निकलेगा, और इसके साथ साथ ये सूखा पाउडर के डस्ट को उड़ाएगा। 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 5 kg सूखा पाउडर का मिश्रण अंदर में बन जाएगा, मिश्रण इस निकास नली द्वारा बाहर निकलने लगेगा। जैसे भी इसमें हम पंक्चर करेंगे इस तरह करके, ये इसको पंक्चर करेंगे, ये बंधा रहेगा, तो इस ट्यूब के द्वारा हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूखा पाउडर बाहर निकलने लगेगा। जहां आग लगी है उस दिशा में हम इसको यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से डेढ़ गुना भारी, ये जहां रहता है ऑक्सीजन को हटा देता है, और साथ ही साथ इसमें रखा हुआ जो पाउडर है वो पिघलने वाला नहीं है, अग्निरोधक भी है, हल्की है, उड़ने वाली है, फूकने पर हवा में उड़ने लगेगी, हल्की होने के चलते ये रंग में भी उजला है, ये आसानी से दिख पड़ेगा कि पाउडर उड़ रहा है। एक समान रूप में जहाँ आग लगी है इसके ऊपर सतह पर फैल जाएगी और जलनशील जलता हुआ पदार्थ के ऊपर बैठ जाएगा।
जिस ऑक्सीजन नहीं जाने देगा और साथ साथ जलता हुआ पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच में आग के बीच में एक लेयर बना देगा। या इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और पाउडर दोनों मिलाकर आग को बुझाने का काम करता है। यह हुआ डीसी फायर एक्सटिंग्विशर।